राशन सरकार के चेहरे को पूरी तरह से बदलने को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं चरम पर हैं। संभावना जताई जा रही है कि सरकार मौजूदा मंत्रिमंडल में कई मंत्रियों से इस्तीफे लेकर नए सिरे से मंत्रिपरिषद का गठन कर सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि मंत्रिपरिषद में शामिल उन मंत्रियों को हटाया जा सकता है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही या फिर वो विवादों में रहे। दरअसल सीएम राजे के अचानक बीजेपी मुख्यालय दिल्ली पहुंचने पर सभी मंत्रियों को वहां बुलाए जाने के बाद इन चर्चाओं ने और गति पकड़ ली है। मिली जानकारी के अनुसार सभी मंत्रियों को अचानक बीजेपी मुख्यालय बुलाया गया, जहां दोपहर 2 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। सूत्रों के अनुसार मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने को लेकर सीएम को पार्टी आलाकमान से हरी झंडी मिल चुकी है। संकेत ये भी हैं कि सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए सीएम राजे उप मुख्यमंत्री के चेहरों पर 2 अलग अलग समाज से जुड़े नेताओं को जगह दे सकती है। सूत्र बताते हैं कि यदि 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो उसमें एक ब्राह्मण समाज से और एक राजपूत समाज से हो सकता है। सीएम राजे नए मंत्रिपरिषद में नए चेहरों को मौका दे सकती है। वहीं संसदीय सचिव बदले जाने के भी अटकलें तेज हैं। उपचुनाव में 3 सीटों पर हार के बाद सरकार ने अपना ही फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर इंटेलिजेंस सभी विधायकों की स्थिति को लेकर उनकी जीत हार का फीडबैक एकत्र करने में लगी है। इंटेलिजेंस से जो रिपोर्ट मांगी गई है उसमें पूछा गया है कि विधायक जीतने की स्थिति में हैं या नहीं। बताया जा रहा है कि टिकट वितरण के समय इस रिपोर्ट का उपयोग लिया जा सकता है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर रहेगा कि वर्तमान भाजपा विधायक के जीतने के आसार हैं या नहीं। सभी विधानसभा सीटों पर वर्तमान विधायक के अलावा दूसरा कौन नेता ऐसा है जो जीतने की स्थिति में है। पार्टी ही नहीं विपक्ष के बारे में भी इंटेलिजेंस अधिकारी यह रिपोर्ट तैयार करने में लगे हैं। वहीं राजस्थान में हुए उपचुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद पार्टी आलाकमान आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए अभी से रणनीति बनाने में जुट गए हैं। ऐसे में हार के कारणों पर भी मंथन किया जा रहा है। इसी के तहत मंत्रिमंडल में बदलाव के साथ ही संभावना ये भी जताई जा रही है कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सहित अनेक जिम्मेदार पदों पर बैठे प्रभारियों को भी बदला जा सकता है।